हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना करवा चौथ ब्लॉग। तो मैंने ये स्टार्ट करा है नाइट से, वन डे बिफोर। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ है और सभी बड़ी एक्साइटेड रहती है, वुमेंस जो भी होती है और मेंस भी रहते हैं, क्योंकि एक स्पेशल डे होता है मैरिड कपल के लिए स्पेशली। तो मैंने इसलिए ये ब्लॉग बनाया है, आपको एंड तक दिखाऊंगी जितना पॉसिबल मुझसे हो पाया। तो सबसे पहले दिखाती हूँ ये मेहंदी जो मैंने लगवाई है। बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं लगाया उन्होंने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी। केवल इतनी सी मेहंदी का उन्होंने चार्ज लिया 300, तो बहुत कॉस्टली हो रखा है मेहंदी अभी लगवाना बाहर। और तो इस वाले हाथ में मैं खुद से लगाऊंगी, एक प्यारा सा डिज़ाइन मैंने सोच के रखा है। और एंड थोड़ा सा मुझे फेस पे ब्लीचिंग करनी है और थोड़ा सा कुछ पार्लर से करा लिया था। एंड फेस को पैम्पर करूंगी, वो मॉर्निंग में करूंगी आफ्टर बाथ। एंड मुझे उठना है सर्गी के लिए, मैंने अलार्म सेट कर दिया है 3:30 का, तो देखते हैं कितने बजे आँख खुलती है। तो सर्गी के लिए उठ के थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है, थोड़ी सी मदर इन लॉ ने पहले से करके रख दी है, तो देखते हैं उठ पाती हूँ या नहीं सही टाइम पे। तो मुझे पहले मतलब बाथ लेने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद सर्गी खानी है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है मॉर्निंग में ये सब करना। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेहंदी लगाना, अपने मेहंदी का लुक दिखाऊंगी आपको। एंड जो भी मैं अपना करवा चौथ से रिलेट करूंगी, स्किन केयर, मेकअप एक्सेट्रा जो भी, टिल द एंड आपको दिखाने वाली हूँ। तो बहुत मजा आने वाला है आपको इस व्लॉग में, आई होप आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो कंटिन्यू करती हूँ इसे मॉर्निंग में, फिर भी मैं साइड बाय साइड दिखा देती हूँ आपको अगर मैंने कुछ स्किन केयर नाइट में ही कर लिया है। वैसे मॉर्निंग में भी बहुत सारा स्किन केयर होने वाला है, क्योंकि स्किन को पैम्पर करना बहुत जरूरी है बिना खाए पिए पूरे दिन, बट सर्गी में तो बहुत सारा खाना पड़ता है। अब मुझे आदत हो गई है, वैसे तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ के कल्चर में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, बट पंजाबियों में भैया खाने पीने का बहुत शौक होता है, तो इसलिए सर्गी में बहुत सारा सारा खाते हैं। मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी आपको कि सर्गी में मैंने क्या क्या रखा है, तब क्या क्या मैं खाने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ कंटिन्यू आपको। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी मेहंदी जो मैंने खुद लगाई है, आई होप आपको पसंद आएगी। एंड अब बजे हैं रात के 2:15, तो अब मुझे एक घंटा तो एटलीस्ट डीप स्लीप लेनी है। तो आप लोगों को ये मेहंदी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने बड़ा मतलब स्ट्रगल करा इस मेहंदी के लिए, एंड मैं आपको कंपेयर करा देती हूँ, तो मैंने मार्केट से लगवाई और ये मैंने खुद लगाई है। एंड ये मैंने लिखा है अपने हबी का नाम। सो मिलती हूँ मैं आपको सुबह मॉर्निंग में, कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग। अब मुझे थोड़ा सा सोना है, एटलीस्ट मैं एक घंटा सोना चाहती हूँ, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बट अभी तो मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो अब मैं मेडिसिन लेके सो रही हूँ। देन मिलते हैं मॉर्निंग में। फ्रेंड्स, ये वाला डिज़ाइन मैंने अपने बैक हैंड में लगाया था मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे फिर नींद नहीं आई मॉर्निंग। तो उसके बाद मैंने उठने के बाद किया था फेस को ब्लीच आफ्टर बाथ। तो जल्दी से सब कुछ मिक्सअप करके अपने फेस पे अप्लाई करना होता है, बहुत इजी होता है घर में भी ब्लीच करना, तो मैं घर पे ही करती हूँ। और ये ब्लीच मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद कर रही हूँ फेस में, एटलीस्ट 1 ईयर तो मुझे हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। और आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे से थोड़ा सा थिक लेयर लगानी है जहाँ आपके हेयर्स थोड़े से ज़्यादा ब्लैक हों। तो अब प्रॉपर लगा लिया है, 10 मिनट्स का वेट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब मैं लगा रही हूँ पोस्ट ब्लीच। एक सीरम आता है, ये एक जेल फॉर्म सीरम बोल सकते हैं आप, काफ़ी ग्लोई बना देता है आपके स्किन को। ब्लीच करने के एटलीस्ट 6 आवर्स तक अपने फेस में कुछ अदर सीरम क्रीम नहीं लगानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे उसका जो इफेक्ट है वो डल हो जाता है। तो पूरे फेस में मैंने अच्छे से लगा लिया है, बिल्कुल चुपोड़ चुपोड़ के आप देख सकते हैं, काफ़ी ग्लोई हो गया है फेस। और ये देखिए रात के 4 बजे हैं और कोई नहीं जागा दूर दूर तक, बस एक मैं अकेली सर्गी खाने के लिए उठी भी हूँ। सो फ्रेंड्स, इससे आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा चुकी हूँ और मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं, एंड अब मैं सर्गी का थोड़ा सा सामान रेडी करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको सर्गी में मैंने क्या क्या रेडी किया है। एंड टाइम अप हो जाएगा सर्गी का, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाय फ्रेंड्स, तो मैं सर्गी रेडी करके लेके आ गई हूँ। ये है आलू का पराठा, ये है फेनिया, एंड दिस इज अ स्पॉन्जी रसगुल्ला, और ये है जयपुरी कचौड़ी, एंड ये थोड़े से
आलमंड्स और कैशियो हैं, और ये है एप्पल जो मैं नहीं खाने वाली शायद, और गर्म पानी है, टैबलेट्स भी हैं क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, और विद टी, ये कप मेरे से अभी टूट गया। तो इतना सारा है बट नहीं इतना सारा खाया जाता, जितना खाया जाता उतना खाऊंगी मैं। तो आप देख सकते हैं कितना सारा खाना होता है पंजाबियों की सर्गी में। सर्गी मैं लेके आ गई हूँ और इसे फटाफट मैं फिनिश करती हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है अभी थोड़ी देर बाद 5 बज जाएंगे, तो मुझे 5 बजने से पहले पहले सब खाना है, खाना जो भी मैं खाना चाहती हूँ। तो उसके बाद का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ और देखते रहिएगा टिल द एंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एंड मैंने कोशिश की है सब कुछ इसमें कैप्चर करूँ जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाया। तो सब सोए हुए हैं घर में और मैं फटाफट से सब खा लेती हूँ, और अभी भूख भी थोड़ी सी लग रही है क्योंकि नाइट में भी ढंग से खाना नहीं खाया था मैंने। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं लोग, मैंने सिंपली बालों में क्रिम्पिंग करी है और ये अपनी चोटी बना के इधर से टाई कर ली है, और ये मैंने मीशो से मंगाया था, और ये साड़ी मेरी पहले से थी मेरे पास। आप देख सकते हैं मेकअप मैंने बहुत ही सटल सा करा है, एंड थोड़ा सा स्मोकी आई रखनी थी मुझे। एंड सॉरी, मैं ये मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कियारा ने परेशान कर दिया था, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए, अब टाइम हो गया है, शाम के 5 बजने वाला है, तो यहाँ पे सब इसी टाइम पूजा करते हैं क्योंकि सर्गी में बहुत ठूस ठूस के हमने खा लिया होता है। अब मैं जा रही हूँ पूजा में नानी जी के वहाँ, तो सभी वहाँ पे मंदिर में गैदर होते हैं और पूरी कम्प्लीटली गैदरिंग होने के बाद ही पूजा स्टार्ट होती है, उसमें थाली एक्सचेंज होती है। मैंने शॉर्ट्स क्रिएट कर लिया था, तो मेकअप के शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा मेकअप का रह गया जस्ट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। तो कंटिन्यू करती हूँ उस व्लॉग को आगे। तो मंदिर में पहुँच के सबसे पहले तो हमने करवा माल की कथा सुनी, तो आप देख सकते हैं, और आगे इसमें जो पंजाबी रीत से थाली एक्सचेंज करने का सिस्टम है, कस्टम है, वो आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये, आप देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, और आपकी ही थाली घूम के आपके पास आ जाती है, और ये एटलीस्ट 7 टाइम करना होता है, 7 बार फेरनी होती है थाली। तो मुझे ये वाला सीन तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाने वाली हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस बार तो मेंबर्स कम थे मंदिर में, काफ़ी लोग नहीं थे क्योंकि कुछ लोगों ने अपने घर में कर ली थी, थोड़ा लेट होता है, 5 बजे का टाइम इज़ टू मच लेट। तो देखिए इसे एंड तक, उसके आगे मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो कथा के बाद ये रीत होती है कि आपको दिए को बार फेर करना होता है इस तरह से। तो उसके बाद हमने कुछ क्लिक्स ली नानी जी के साथ, मामी जी के साथ, और कुछ अपनी भी ली, एंड फिर हम घर गए, मम्मी जी के साथ फ़ोटो क्लिक्स कराई, उनको जो देना था मुझे मैंने दिया, आशीर्वाद लिया, और कियारा के साथ भी बहुत मस्ती करी। बट कियारा थोड़ी सी उदास थी क्योंकि वो बीमार थी। तो उसके बाद मैंने वेट किया चांद निकलने का, एटलीस्ट फाइनली चांद निकल गया। तो टाइम था 8:30 अराउंड के बीच का, और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड कप, भूख से नहीं कोल्ड कप से। तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर ली,
जल्दी से चांद को देख के, फिर चांद को जल चढ़ाया, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब कंप्लीट मैंने करी फटाफट, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अब थोड़ा सा चांद दिखना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, इस तरह से मुझे लग रहा था अपनी छत से। तो मैंने फटाफट फटाफट कर ली, मैं आपको जल्दी से इसे दिखा देती हूँ। और इसमें भी लास्ट में पूजा करने के बाद वो दीपक वाली वार फेर करने वाली रीत होती है, तो अपने ऊपर से वारना होता है, तो वो भी मैंने इसमें करी है, अभी आपको दिखाती हूँ। अभी तो मैं जल चढ़ा रही हूँ, मेरे पतिदेव सही से कैमरे को होल्ड नहीं कर पाए, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए कहाँ से पकड़ा जाए कैमरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो अभी ये मैंने करी दिए वाली रीत, जो बहुत ज़रूरी होती है पंजाबी रीति रिवाज में, तो वो वाली रीत करने के बाद फिर हमने खाना खाया, तो क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, ऐसा नहीं है भूख नहीं लगी थी, मेडिसिंस भी लेनी थी मुझे। सो फ्रेंड्स, अब पूजा हो चुकी है, चांद निकल आया है, और चांद एग्जैक्ट 8:30 के अराउंड आ गया था। आप देख सकते हैं ये मेरा जो सेट है वो इस कुर्ती के साथ भी कितना ऑसम लग रहा है। सो अब तोड़ते हैं फास्ट कुछ खा के, मैं दिखाती हूँ मेन्यू में क्या क्या है। बहुत ज़्यादा आइटम तो नहीं है, बस थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, फीवर हो गया, तो कुछ चीज़ें मिस हो गई मुझसे, सडनली बहुत ज़्यादा हो गया। बात सोना है मैं, क्योंकि पूरी रात नहीं सोई हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेहंदी डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, डिनर रेडी हो चुका है। डिनर में है दाल मखनी, एंड ये है सूखे आलू जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये है जीरा राइस, ये है सैलेड, और ये है चपाती हॉटकेस में। खाना बहुत ही यम्मी बनाया था मेरी मदर इन लॉ ने। एंड स्वीट्स में हमने खाया वाइट रसगुल्ला, स्पॉन्जी रसगुल्ला, तो बहुत ही यम्मी था डिनर। उसके बाद मैंने आगे जो ब्लॉग में दिखाना था वो कंटिन्यू किया। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करवा चौथ ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड आगे भी इस तरह के ब्लॉग आपके लिए आते रहेंगे जैसे पॉसिबल हो पाया। बच्चे के साथ और मेरी कियारा की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ फ्रॉम लास्ट 2 डेज, और मी ऑल्सो, सो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं शूट कर पाई, पर जितना मैंने शूट करा है उतना आपको मैंने शेयर कर दिया आपके साथ अपनी जर्नी इस करवा चौथ की। आई होप आप सभी को काफ़ी पसंद आएगी, एंड जल्दी से फटाफट मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।